अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जुनैद USA Vlogs। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका के अंदर पेट्रोल पंप के ऊपर जो है आपको कितनी सैलरी जो है वो दी जाती है और आपको कितने घंटे जो है अमेरिका के अंदर जो है पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो काम करना पड़ता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जॉब के ऊपर और सैलरी आपको जो है वो कितनी यहाँ पर जो है पर आवर के हिसाब से जो है वो दी जाती है। वो सब चीज़ें जो है आपको मैं आज के इस ब्लॉग के अंदर जो है वो आपको डिटेल से जो है वो बताऊंगा। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो है मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और फिर अभी चलते हैं अंदर और आपको भी जो है अंदर का जो है वो व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर गैस स्टेशन के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या प्राइसेस होती हैं, तो आपको सब डिटेल जो है आपको इस वीडियो के अंदर जो है आपको मैं दूँगा। तो फिर चलें। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है मैं जो है अंदर आ चुका हूँ और अभी जो है आपकी बात करवाता हूँ मैं सफदर भाई से और बाकी डिटेल जो है हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताएँ कि आप कहाँ से हैं? मैं कराची पाकिस्तान से। कराची के अंदर जो है वो कौन सी जगह से हैं आप? नाजमाबाद। नाजमाबाद, नाजमाबाद तो काफी बड़ा एरिया लगता है। वो मतलब जो भी मेंस कॉलेज है एक नंबर। अच्छा, एक नंबर जो है वो नाजमाबाद लगता है, ठीक है। आपको अमेरिका के अंदर जो है वो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? तकरीबन मुझे 4 साल हो गए। तकरीबन 4 साल हो गए, ठीक है ठीक है। आपके जो गैस स्टेशन की जो है पेट्रोल पंप की टाइमिंग जो है वो क्या है यहाँ पे? हमारी तो वैसे 24 आवर्स है। कुछ गैस स्टेशन होते हैं जो 18 आवर्स के लिए ओपन होते हैं, बाकी कुछ हैं जो 24 आवर्स। मतलब जो 18 आवर्स होते हैं वो रात में 12 बजे के करीब जो है वो बंद हो जाते हैं। अच्छा, 12 से सुबह 6 बजे तक जो है वो बंद रहते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपके जो है यहाँ पे जो है कितने एम्प्लॉयज होते हैं इस गैस स्टेशन के ऊपर? जो है गैस स्टेशन में हमारे पास मोर देन 20 एम्प्लॉयज हैं। जो इस रजिस्टर पे एट अ टाइम अवेलेबल होते हैं वो 2 होते हैं इवनिंग शिफ्ट में, नाइट में 1 और मॉर्निंग में 1। ठीक है। अच्छा, तो आपकी जो है शिफ्ट कितने घंटे की होती है यहाँ पे जो है? नॉर्मली शिफ्ट जो होती है वो 9 घंटे की होती है, 9 आवर्स। कुछ गैस स्टेशन जो 18 आवर्स के लिए खुलते हैं उनमें से आप ये लगा लेंगे 8 घंटे भी करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो है वो कौन सी शिफ्ट होती है, मतलब फर्स्ट होती है, सेकेंड होती है? मेरी इवनिंग शिफ्ट है, ये सेकेंड शिफ्ट कहलाती है। ओके, सेकंड शिफ्ट होती है, ठीक। ओके, ये कितने बजे से स्टार्ट होती है? मेरी 3 से 12 तक स्टार्ट होती है, कुछ जगह 2 से 11 या 2 से 10 इस तरह भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके गैस स्टेशन के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या आइटम जो है वो सेल होता है? सिगरेट सेल होती है, बियर सेल होती है, लॉटरी सेल होती है, सबसे ज़्यादा क्या सेल होती है? सबसे ज़्यादा तो सिगरेट सेल होते हैं, उसके बाद फिर बियर आ जाती है, फिर जनरल आइटम जो कैंडी चिप्स सोडा वगैरह जो होता है। ठीक हो गया सर। अच्छा, जो नाइट शिफ्ट में जो होता है, नाइट शिफ्ट में उसके बारे में मुझे सर डिटेल से बताइएगा कि नाइट शिफ्ट में क्या क्या जो बंदा काम करता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको क्या क्या चीज़ का टेक केयर करना पड़ता है और इसके बारे में ज़रा आप मुझे बताइएगा। नॉर्मली देखें हर गैस स्टेशन का अपना अपना होता है, ठीक है, हर जगह पे सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। जो एक जनरल हम बात कर लें तो उसमें आप लगा लें कि जो नाइट पर्सन होता है, जो नाइट शिफ्ट के लिए बंदा होता है, वो करता है कूलर स्टॉप कर देता है, ये जो बियर बैरल होता है इस पर आप आइस वगैरह डाल के उसको बंद कर देता है, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद बियर बनना सेल करना बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब कि रात को 12 बजे के बाद जो है आप सेल नहीं कर सकते, अल्कोहल सेल नहीं कर सकते, ठीक है। सुबह 6। अच्छा, इसकी एज लिमिट भी ज़रा मेरे देखने वालों को बताइएगा कि आप बियर कौन सी एज लिमिट तक जो है वो देते हैं? मिनिमम 21 ईयर्स हो, अगर जो होगा तो उसी को बियर मिलेगी, 21 से नीचे होगा उसको नहीं मिलेगी, उसको नहीं। और इसी तरह सिगरेट में भी यही होता है, सिगरेट और बियर जो है वो 21 अबव को मिलेगा। ठीक है, तो आप मतलब कि आपको कैसे आइडिया होता है कि ये 21 का है नहीं है, तो आप कैसे श्योर करते हैं कि इसको देनी चाहिए? आप आईडी चेक करते हैं? आईडी चेक करते हैं सबसे पहले, जो मतलब लीगल वे है आईडी चेक करने का। जी जी, ये हमारे पास लिख के भी लगा हुआ है यहाँ पे, अंडर 21 नो सिगरेट टोबैको ई-वेप कुछ भी हम लोग उसको सेल नहीं कर सकते। सही। दूसरा ये कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन कितनी एज का होगा, तो हम कस्टमर को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि किस एज का होगा। अगर वो हमें छोटा लगता है तो फिर हम उसे आईडी मांग लेते हैं, बाकी जो नहीं लगता तो हम लेट इट गो। ठीक ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा, आपके कितने साल का जो है गैस स्टेशन का एक्सपीरियंस है,
तो और जो है सैलरी सैलरी का क्या होता है यहाँ पे, किस हिसाब से पर आवर क्या मिलता है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, एक नया आने वाले बंदे को कितनी सैलरी दी जाती है और एक एक्सपीरियंस वाले को कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में ज़रा मुझे डिटेल से बताइएगा आप। सैलरी डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, वैसे मुझे 4 साल हो गए, ठीक है, तो अगर आप न्यू कमर हैं तो स्टार्टिंग वेज जो यहाँ से स्टार्ट होती है $11 से $12 स्टार्ट होता है, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो 14-15 भी आपको मिल जाता है पर आवर। ठीक, जी, तो ये वीकली होता है, मंथली पेमेंट होती है या ये किस? एवरी टू सॉरी 2 वीक्स होता है। ओके, 2 वीक्स। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो है कोई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है डेंजर होता है और ख़तरा बहुत होता है, आपका कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो? हमारा एरिया अभी काइंड ऑफ डेंजरस होता जा रहा है, पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अब ये थोड़ा सा डेंजरस होता जा रहा है, इसलिए देखिए प्रोटेक्शन वगैरह सारी लगी रहती है, आप ये दिखा भी सकते हैं, ये बुलेट प्रूफ जी ग्लासेस जी हैं। और मेरा ऐसा पर्सनली कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं ऐसे इस हवाले से, लेकिन ये कि सुनने में काफ़ी कुछ आता है कि रात के टाइम पे स्टोर रॉब हो गया या ATM उन्होंने तोड़ दिया, ATM भी होता है हर स्टोर में, तो वो भी ब्रेक ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है गैस जो पेट्रोल है वो डालने का क्या तरीका होता है, मतलब कि कस्टमर को अंदर आना पड़ता है या बाहर से, या क्या प्रोसेस होता है उसका? जैसे देखें आप इंडिया पाकिस्तान में हमारे हाँ अटेंडेंट बाहर खड़े रहते हैं, हाँ आप उनको कैश देते हैं, वो उसी वक्त आपकी गाड़ी में या बाइक में गैस डाल देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कस्टमर को अंदर आना पड़ता है, वो हमें पे करता है, फिर हम यहाँ से गैस ऑन करते हैं, वो जाके खुद डालता है। ओके, और अगर आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप बाहर से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, आपको रिसीट भी बाहर ही प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आपके यहाँ गैस और डीजल दोनों वगैरह है, पेट्रोल और जी डीजल दोनों है? प्रीमियम गैस भी होता है जो सुपर सुपर होता है, अनलेडेड होता है, जो रेगुलर गैस होता है, और एक डीजल होता है। ठीक होगा, और आपके कितने पंप हैं यहाँ पे टोटल? टोटल हमारे पास यहाँ 10 10 पंप हैं। जी ठीक, अच्छा, आपके गैस स्टेशन पे जो है इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग, कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? ये एक्चुअली जब बंदा काम करता रहता है जी तो उसको आइडिया होता है कि हमारे पास क्या ज़्यादा चीज़ चल रही है, क्या चीज़ आउट हो रही है, तो हम एक पेपर पे लिखते रहते हैं उसको, तो जो आउट होता है तो एवरी वीक यहाँ पे ऑर्डर बनता है, एवरी वीक इन्वेंट्री का ऑर्डर बनेगा, वो हम अपने वेंडर को सेंड कर देते हैं ऑनलाइन, हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस होती हैं, उनकी एप्लीकेशन होती हैं, ऑनलाइन हम ऑर्डर सेंड कर देते हैं, हमें वहाँ मतलब जैसे यहाँ पे हर ट्यूसडे को इन्वेंट्री आती है, ग्रॉसरी आती है, ट्यूसडे एंड वेंसडे डिलीवरीज आती है हमारे पास। अच्छा, तो सफदर भाई ने जो है आपको जो है मालूमात दी, इन्फॉर्मेशन दी गैस स्टेशन के बारे में, नाइट जॉब के हवाले से और सैलरी के हवाले से जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी, और अभी जो है मैं आपको इनके स्टोर का जो है वो विज़िट करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ सेल हो रही है, और एक गैस स्टेशन के अंदर जिसे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पम्प कहा जाता है, यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो है वो गैस स्टेशन बोलते हैं इसे, तो मैं आपको स्टोर का विज़िट करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ सेल होती है, उनके क्या प्राइसेस होते हैं। अच्छा, ये जो है कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है यहाँ पे, जो है जूस हैं, ड्रिंक्स हैं, इस तरह जो है कूलर बने हुए हैं। ये सोडा है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है और उसको एमरजेंसी में जो है पेट्रोल चाहिए, और वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप पे आप वहाँ जाएं, और इस किस्म की बोतल अगर आपकी गाड़ी में रखी हुई है
आप उसमें जो है पेट्रोल डाल के लाएँ और अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो पेट्रोल डाल सकते हैं। आप नॉर्मल जो है जैसे पाकिस्तान में किसी भी बोतल में आपने डाल लिया, पेप्सी की बोतल में जो है आपने डाल लिया, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल जो है वो बोतल आती है और ये वो बोतल है जिसके अंदर आप पेट्रोल डाल सकते हैं। अच्छा तो इसी गैस स्टेशन के साथ जो है सबवे भी बना हुआ है और अंदर ही सबवे है, अंदर ही गैस स्टेशन है दोनों। और ये आपके सामने आ गई कॉफ़ी मशीन है, यहाँ से आप कॉफ़ी ले कर पी सकते हैं। और ये स्लश मशीन है, यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिसके अंदर। और ये आपका आ गया कोल्ड ड्रिंक का आ गया, ठीक है। आपको फंटा पीनी है, कोक पीनी है, डाइट कोक, स्प्राइट, जो भी आपने पीनी है। यहाँ ये साइड में गिलास लगे हुए हैं और ऊपर जो है वो प्राइस लिखी हुई है इसकी, कप ऑफ आइस की। और ये इसी के साथ जो है एटीएम मशीन है, यहाँ पे जो है हर गैस स्टेशन के अंदर ऑलमोस्ट आपको जो है एटीएम मशीन मिलेगी। और यहाँ से आप बिटकॉइन भी जो है वो बाय कर सकते हैं एटीएम के ज़रिए। और ये है यहाँ की आइस मशीन, यहाँ के अंदर जो है आइस रखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, ये देखें इस तरह आइस यहाँ पे रखी हुई होती है। अगर किसी को भी आइस चाहिए वो यहाँ से जो है आइस लेगा और काउंटर पे जो है वो पे करके जो है अपनी आइस अपने साथ ले जा सकते हैं। और यहाँ पर सबवे है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बैठने का टेबल वगैरह भी रखी हुई हैं, आप वहाँ से अपना जो है खाना लें और यहाँ पर बैठ के जो है अपना खाना इंजॉय करें। और यहाँ पे जो है ये देखें आप, यहाँ पे जो है बियर्स रखी हुई हैं आइस के अंदर। अगर आप फ्रंट से एंटर हुए हैं और आपको जल्दी है, यहाँ से आपने बियर उठाई और फ्रंट काउंटर पे आपने पे किया। और ये आइस जो है मुख्तलिफ टाइम के अंदर जो है वो चेंज होती है यहाँ से। अच्छा तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, यहाँ जो गैस स्टेशन के अंदर जो प्राइस होती है चीज़ों की, किसी भी चीज़ की प्राइस है, वो नॉर्मली जो है जो बड़े स्टोर होते हैं, वॉलमार्ट हो गया या और कोई भी बड़े स्टोर हो गए, फिएस्टा हो गया, एचईबी हो गया, इनसे जो है उसकी जो गैस स्टेशन में जो प्राइस होती है वो हाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो चीज़ वॉलमार्ट से $1 की मिल रही है तो यहाँ पर उसकी प्राइस जो है 125 होगी या 150 होगी, वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्राइस है। अच्छा तो अभी आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो है जो भी पेट्रोल पंप होता है उसके बाहर जो है एक एयर मशीन जो है आपको हर गैस स्टेशन के ऊपर जो है वो मिलेगी। अच्छा ये जो है एयर मशीन है, अगर आपकी टायर के अंदर हवा कम है या उसका प्रेशर कम है तो आप यहाँ पे आएँ और जो है आपके अगर आपके पास कॉइन्स हैं तो आप कॉइन्स उसमें डाल के जो है अपनी गाड़ी के अंदर जो है हवा भर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है, कैश नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है उसकी पेमेंट करके जो है वो अपनी टायर की जो है हवा वो फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है एयर मशीन लगी हुई है, मैं आपको पूरी तरह दिखा दूँ। और ये जो गैस स्टेशन है 59 और विलग्रिड्स के ऊपर है और ये शेल गैस स्टेशन है यहाँ पे। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज गैस की प्राइस यहाँ पे क्या है। अच्छा आज का जो गैस का पेट्रोल का प्राइस है यहाँ पे 3.25 अगर आप कैश पे करते हैं। और आपको ये बात मैं बताना चाहूँ तो ये प्राइस जो है पर गैलन का है और एक गैलन के अंदर जो है तकरीबन 3.5 लीटर जो है वो पेट्रोल आता है। तो अगर आप रेगुलर कैश पे करेंगे तो 3.25 है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो उसकी प्राइस 3.35 हो जाएगी। और इसी तरह नीचे जो है वो डीज़ल का प्राइस दिया गया है 3.49 पर गैलन। और इसमें भी यही है कि एक गैलन के अंदर जो है वो 3.5 लीटर जो है वो डीज़ल आता है। तो इनके जो है यहाँ पे 10 स्टेशन बने हुए हैं, यहाँ पे 10 पंप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अच्छा, तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि आप एक मंथ के अंदर गैस स्टेशन के अंदर जो है वो काम करके कितना जो है डॉलर्स जो है आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल, आपको कोई बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और आप गैस स्टेशन के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो आपको जो है तकरीबन $10 से जो है आपको स्टार्ट किया जाएगा। और कुछ ही महीनों के अंदर जो है अगर आप मेहनत करेंगे, वहाँ पर अच्छे से काम करेंगे, तो $12 जो है पर आवर ईज़िली आपको जो है वो एक घंटे का जो है वो $12 आसानी से मिल जाएगा। अगर आप जो है $12 पर आवर के हिसाब से जो है वो काम करते हैं, तो अगर आप 40 आवर्स वीक के अंदर करते हैं, तो आपको $480 जो है वो आपको जो है पर वीक का जो है वो अच्छा। तो यहाँ पर जो है 40 घंटे से ज़्यादा आप जितना भी काम करेंगे वो आवर टाइम के जो है आवर टाइम में काउंट होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने 40 घंटे किए और आपको 10 घंटे एक्स्ट्रा जो है वो मिले हैं, समझ लें कि 50 आवर्स जो आपको वीक के अंदर आपने काम किया है, 40 घंटे आपको नॉर्मल जो है वो $12 पर आवर के हिसाब से मिलेगा, और जो 10 घंटे हैं वो आपको 1.5 मिलेगा। 1.5 ऐसा होता है, अगर आपकी सैलरी जो है वो $12 पर आवर है, तो आवर टाइम आपको जो है वो $18 पर आवर आपको मिलेगा। तो 12 आवर्स के हिसाब से 40 आवर्स आपने काम किया, तो पर वीक का 480 हो गया, और 10 घंटे आपने आवर टाइम जो किया उसका हो गया 180। तो ये टोटल मिला के जो है $660 पर वीक होता है, और एक महीने के अंदर जो है वो 4 वीक्स होते हैं। तो अगर आप 4 वीक्स आपने काम किया है, तो ये टोटल 660 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू $2,640 होता है। इससे ऊपर भी आपका जो है वो $2,800 भी हो सकता है, और $3,000 तक भी आप जो है वो ईज़िली जो है वो अर्न कर सकते हैं पर मंथ का। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तो आज की वीडियो को जो है वो यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।